बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले ये भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बना, और साल 1971 में बंगला मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग द्वारा एक अलग देश बना। वैसे बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आप सबको नहीं पता होंगी। तो दोस्तों, आज हम आपसे बातें करने वाले हैं बांग्लादेश के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बांग्लादेश का इतिहास भारत से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है तथा भारत की प्राचीन सभ्यता का शासन बांग्लादेश तक रहा है। यहाँ प्राचीन भारतीय साम्राज्य जैसे गुप्त, मग तथा मुगलों का शासन रहा है। प्राचीन समय में ढाका पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंड प्रभावशाली केंद्र था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत को गले लगाना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान बनाया। यूनिसेफ के द्वारा कराए गए एक सर्वे में यह रोचक खुलासा हुआ कि बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश का नंबर नाइजीरिया के बाद आता है। यही नहीं, पूरी दुनिया में बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पे आता है। बांग्लादेश में ऐसे सैकड़ों मामले हर साल सामने आते हैं जिसमें केवल पैसे या अन्य पारिवारिक दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियों की शादी बुजुर्गों के साथ कर दी जाती है। छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। यह बहुत हैरानी की बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया में 8वीं नंबर पर आता है, जो एक बहुत ही गंभीर बात है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। बांग्लादेश में प्रमुख धर्म इस्लाम है, जिसकी आबादी 88.3% है। सभी बांग्लादेशी मुसलमानों में 96% मुसलमान सुन्नी, 3% शिया और 1% अहमदिया हैं। हिंदू यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है, जिसकी आबादी 10.5% है, जबकि कुछ छोटे छोटे अल्पसंख्यक ईसाई, बौद्ध और जीववादियों की संख्या यहाँ 1% से भी कम है। यहाँ की अधिकतर आबादी अपने आप को बंगाली बुलाती है और बंगला यहाँ की आधारिक भाषा है। अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है। बांग्लादेश का आधारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में भी बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है तथा यह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का चौथा देश है। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है, जो खेती पर निर्भर करती है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। बांग्लादेश के लोग कम मुस्कुराते हैं। बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है और आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में करीब 1 लाख से अधिक महिला देह व्यापार का हिस्सा बनी हुई हैं। बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है तथा बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने पर पकड़े जाने पर जेल की सजा हो सकती है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देश जैसे भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा मिला है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे और लाल दो रंग का प्रयोग किया गया है। जहां हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेशी मुक्ति की लड़ाई में अपना खून बहाने वाले सैनिकों की एक श्रद्धांजलि है। पुरुषों को यहाँ महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल पर रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरवन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। इस राष्ट्रीय प्राणी की दहाड़ इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये विलुप्त होती प्रजातियों की श्रेणी में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख सैनिक है, जिनमें रिजर्व सैनिक भी शामिल है। बांग्लादेश की वायुसेना में 22,000 जवान तो नौसेना में 24,000 जवान हैं। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे बड़ा सहयोगी है,
मौजूदा समय में बांग्लादेशी शांति सैनिक कोंगो, लाइबेरिया, दारफूर, हेती, लेबनान, दक्षिण सूडान, साइप्रस जैसे विवादित क्षेत्रों में तैनात है। बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं। बांग्लादेश में भारतीय फिल्म स्टार राहुल रॉय की गिनती बड़े स्टार्स में होती है। बांग्लादेश एक विकासशील देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 80,000 प्रति वर्ष है, फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से 5 से 6% वार्षिक विकास दर पर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।